অবশেষত কারাগারৰ পৰা মুক্ত হল সঞ্জয় সিং। আজি তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাল আপৰ সাংসদগৰাকী। ছমাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছিল আপৰ নেতাগৰাকী। দিল্লীৰ সুৰা নীতিৰ গোচৰত অভিযুক্ত সাংসদ সঞ্জয় সিঙক মঙলবাৰে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল আদালতে। অৱশ্যে একেটা গোচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সহ আন চাৰিজন নেতা এতিয়াও কাৰাবন্দী। 4 অক্টোবৰত দিল্লীৰ সুৰা নীতি সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সঞ্জয় সিং আৰু অবৈধ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীক। আৰু অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰা ছমাহৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল সাংসদ সঞ্জয় সিং। ইফালে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ সঞ্জয় সিং উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত। ইয়াৰ পিছতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাক সম্বোধন কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল আপৰ সাংসদগৰাকী। এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ। আজি যি সময়ত সাংসদগৰাকী মুক্ত হৈছিল কাৰাগাৰৰ পৰা, সেই সময়ছোৱাত সমৰ্থকসকলৰ এনেধৰণৰ আনন্দ উল্লাস আৰু আপৰ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে এনেধৰণে মুখৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। আমি এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ। আৰু কেজৰিৱালৰ পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু বাসগৃহত দলীয় যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সেই কৰ্মকৰ্তাসকলকো সাক্ষাৎ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই বৰ্তমান শাসক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল নেতাগৰাকী। सुख दुख के साथ ही, संघर्षों के साथ ही, और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं यह आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की का डरने वाले नहीं है। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येन जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं भाजपाई कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, याद रखना। ये कह रहे हैं केजरीवाल 2 करोड़ जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बंद करते, केजरीवाल बस की यात्रा फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते। अरे एक छोटी सी सरकार, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है, इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। लेकिन इन 181 दिनों में, इन 182 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ एक चीज सोच के, जेल के कष्ट से नहीं, याद रखना। जेल तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं, जेल और ये लाठी, ये मुकदमे का डर, ये बंदर घुड़की किसी और को दिखाना आम आदमी पार्टी वालों को। एक बात को लेकर परेशान हुआ, अरविंद केजरीवाल जी से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मुझसे बार बार पूछा, मैंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आतिशी जी से पूछा, इन्होंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ।
सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहा शराब घोटाला नहीं हुआ। भाजपा ही कहते थे शराब घोटाला हुआ है, हुआ है, हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने इसलिए किया कहा कि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। संजय सिंह ने इसलिए कहा, हमारे नेताओं ने इसलिए कहा कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने शराब घोटाला किया।